इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा युद्ध जिसने एक क्रूर राजा को महान बना दिया। हेलो हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल नेटवर्क। वैसे तो इतिहास में कई सारे युद्ध हुए, लेकिन कुछ युद्ध ऐतिहासिक साबित हुए। उन्हीं युद्धों में से एक युद्ध था कलिंग युद्ध। कलिंग मगध साम्राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाला एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्रकृति ने खुद संवारा था। चारों तरफ प्राकृतिक छटा व सूरज की लालिमा से लिप्त कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। जब कलिंग साम्राज्य अपने उत्कर्ष के शिखर पर था, तभी मगध साम्राज्य में एक बहुत बड़ी हलचल हुई और मगध साम्राज्य में एक नए राजा अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक ने यह गद्दी लाशों के ढेर पर से गुजरकर हासिल की थी और इस गद्दी तक पहुंचने के लिए उसने अपने 99 सगे भाइयों का कत्लेआम कराया था। और यहीं से शुरू होता है अशोक की क्रूरता का क्रम। वह शिव का उपासक था, लेकिन उसकी सोच साम्राज्यवादी नीति की थी। नगरों को लूटना व लोगों की निर्मम हत्या करने में उसे मजा आता था। वह समय था 261 ईसा पूर्व का, जब अशोक अपने शासन काल के 8वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। और उसी समय अशोक की नजर कलिंग साम्राज्य पे पड़ी। उस समय कलिंग साम्राज्य के राजा नंदराज को अशोक ने एक पैगाम भेजा कि वह अपनी विरासत उसे सौंप दे, नहीं तो वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कलिंग नरेश नंदराज के लिए यह फैसला करना काफी कठिन था कि वह इन दोनों में से किस रास्ते को चुने। नंदराज ने अशोक की चुनौती को स्वीकार किया और वह पैगाम भेजा कि वह युद्ध के लिए तैयार है। अशोक ने अपने सेनापति को कलिंग पर आक्रमण करने के लिए कहा और फिर शुरू हुआ कत्लेआम का एक ऐसा सिलसिला जो सालों तक चलता रहा। रक्त तथा रक्तपात से भरे इस युद्ध में 1,00,000 लोग मारे गए और 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए। चारों तरफ लाशों का एक ढेर सा लगा हुआ था। लाशों के इस ढेर को देखकर किसी भी इंसान का हृदय मार्मिक हो जाए, और वही हुआ अशोक के साथ भी। इस युद्ध में हुए कत्लेआम को देखकर अशोक का दिल पिघल गया और भविष्य में कोई युद्ध न लड़ने का फैसला किया। इस युद्ध के पश्चात उन्होंने अपना साम्राज्य छोड़ दिया और बौद्ध धर्म के सन्यासी बन गए। वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।